हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नवरात्रों का आज है सेकेंड डे, तो बस आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई हूँ और कर रही हूँ कुछ तैयारी। क्या तैयारी कर रही हूँ वो बताती हूँ आप सभी को आगे। एक्चुअली हम लोग करवाने जा रहे हैं आज राघव का मुंडन। अभी हम यहाँ रह रहे हैं तो यहीं पर करवा देते हैं नवरात्रि, क्योंकि यहीं पड़ रहे हैं और नवरात्रों में सबसे अच्छा शुभ होता है। मतलब किसी भी दिन मुंडन करवाओ सबसे अच्छा ही होता है, तो इसलिए उसका मुंडन करवाना है 1 ईयर का होने से पहले। तो उसी की तैयारी आज मैं यहाँ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी हम बना करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जीरा वगैरह डालने के बाद मैं खूब सारे टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दिए हैं। लहसुन प्याज तो वैसे भी नहीं डलेगा और नवरात्रों में तो हम वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं। तो बस अब ये टमाटर बहुत अच्छे से जब गल जाएंगे, नमक वगैरह डाल दिया है, तो मैं ये बॉयल्ड आलू डाल दूँगी इसमें। सुबह मैं उठ गई थी, आलू मैंने पहले ही बॉयल होने रख दिए थे। अब उसके बाद ना ये सब्ज़ी को मैं सबसे पहले सब्ज़ी ही बना रही हूँ ताकि सब्ज़ी बन जाए, ठंडी हो जाए। तो ये जो घी वाला डिब्बा है ना, इसको मैं खाली कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि घी थोड़ा ही बचा है। तो इसी बड़े से डिब्बे में ना अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं घी छोटे में निकाल दे रही हूँ और इसको पोंछूंगी नहीं, इसी में सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्योंकि ये मतलब हमने इस तरीके से उसको नहीं छुआ है कि मतलब वो ख़राब नहीं है, पूजा के लिए इस्तेमाल करते थे तो साफ़ सुथरे हाथों से ही उसको लिया था, हमेशा ही जब भी लिया है। और यहाँ वान्या आगे पीछे घूम रही है, अभी वान्या ने नहाया नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं, बस मैंने नहा वहा करके मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाना है इस वजह से। तो सब्ज़ी यहाँ पर सबसे पहले बना रही हूँ ताकि वो बनती रहे, और उसके बाद मैं पूरियाँ बनाऊँगी, थोड़े बहुत कुछ मीठे वाले जो पुए होते हैं वो बनाऊँगी। और जो भी मतलब मुंडन में चीज़ें रख कर के ले जानी होती है ना, हल्दी वगैरह, वो सब भी हम ले जाएंगे रख कर के। कुछ चीज़ें रास्ते से ख़रीदना है तो रास्ते से वहाँ गाड़ी में, गाड़ी को रुकवा करके ख़रीद लेंगे। गाड़ी हमने एक हायर की हुई है, वो थोड़ी बहुत देर से आ जाएगी, 10 बजे का हमने टाइम दिया हुआ है उसको। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए, एकदम पल्पी पल्पी हो गए थे, तो मैंने है ना चम्मच से पूरे इनको मैश कर दिए अच्छे से। और अब मैं आलू डाल दूँगी, अच्छे से मिला दूँगी और जितना ज़रूरत होगा उतना पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर आटा लगाने के लिए। तो आटा मैं यहाँ पर 2 बार में लगाऊँगी, क्योंकि जो आटा लगाने वाला मेरे पास, जो मतलब जिसमें लगाती हूँ मैं, वो बर्तन जो है ना वो थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो उतना ज़्यादा लग नहीं पाएगा। मुझे बनाना है कम से कम 90 to 100, मतलब 90 से 100 पूड़ियाँ बनाना है मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर माता रानी का मंदिर है तो कन्याओं को भी खिला देंगे। तो यहाँ पर मीठे वाले पुए के लिए भी मैंने घोल बना करके रख दिया है, उसमें खूब सारा गरी डाल दी है किस करके, और यहाँ देखिए इतना मैंने लगा लिया था। उसके बाद एक बार में मैंने करीब ये लोइयाँ हैं 45 से 50, तो वो मैं बेल लूँगी। अभी मैंने कढ़ाई को ना मतलब गैस को ऑन नहीं किया है, क्योंकि कढ़ाई तो हाल गर्म हो जाती है। फिर मैंने जब सारी पूड़ियाँ बेल ली थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तब मैंने गैस ऑन किया। अभी मैं फ़िलहाल ये 50 के आसपास जितनी भी पूड़ियाँ हैं ना उनको तल लूँगी और उसके बाद बाकी की और बेलूँगी, फिर उनको तलूँगी। क्योंकि ज़्यादा देर तक के लिए छोड़ देती तो वो फिर ना एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है ना, इस वजह से। तो मैंने कहा पहले इनको बना देते हैं और बीच बीच में मीठे वाले जो गुलगुले बोलते हैं, पुए बोलते हैं, वो बनाती जा रही हूँ। तो बस ऐसे करके धीरे धीरे करके हो गया था। तो बहुत देर, करीब मुझे 1.5 घंटे से भी ऊपर का टाइम लग गया था किचन में। उस दिन तो हालत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, और गाड़ी वाले को भी हमने फिर 10 बजे उसका फ़ोन आया था, तो हमने कहा भाई 1 घंटे और देर से आना, 11 बजे आना, क्योंकि इतने सब चीज़ों में नहीं हो पाता है। जल्दी उठी मैं फिर भी, इतना सब बनाना और बच्चों के साथ, तो बस वही है। तो हम लोग 11 बजे, क्योंकि मंदिर यहाँ पास में ही है, करीब 1 घंटा या आधा घंटा, 45 मिनट हमें लगेंगे पहुँचने में। राघव, आज तुम्हारे ये बाल चले जाएंगे, मुंडन हो जाएगा। हाँ, आप रो रहे हो। चलो पैंट पहनाए आपको, ठीक है, और आपको सेरेलेक भी खिलाएं। बच्चों को रेडी कर दिया है, राघव को भी। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली है तो सूट ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूजा वगैरह भी सब कंप्लीट कर दी, नवरात्रि है ना, तो भोग वगैरह निकालना, होम वगैरह करना माता रानी का, वो सब भी कंप्लीट कर दिया था, पर वीडियो शूट नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं सब कुछ जो घर में फैला है ना वो इकट्ठा करके यहाँ पर रखती जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि हम चले जाते हैं घर फैला कर, फिर आने के बाद बड़ी दिक्कत होती है। और ये देखिए मैंने साड़ी वाड़ी पहन कर यहाँ रेडी हो गई हूँ। मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा साड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक ब्लैक कलर की साड़ी है और एक ये है, तो ये ही सही रहेगी मंदिर में, पूजा में ब्लैक कलर तो सही नहीं रहता, तो इसीलिए इसी को पहन करके जा रही हूँ मैं। और यहाँ राघव को सेरेलेक खिला दिया है, क्योंकि ना वो फिर पूरा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वो परेशान हो जाता, शाम तक आएंगी, तो इसीलिए थोड़ा उसको पेट वेट भर दिया मैंने उसका।
सो फ्रेंड्स, हमने आंटी जी को भी ले लिया उनके घर से, जहाँ पर हम पहले रहते थे ना, जिनके घर पर, उनको हमने ले लिया साथ में। उनको एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड जा करके बुलाए थे कि आप चलना हमारे साथ, क्योंकि हमें मतलब सही रहता है ना किसी को ले जाना अपने साथ में, और वैसे भी राघव की एक दो रस्में उनके साथ ही हुई है ना, तो उनका जाना तो बनता ही था। तो हमने कहा चलो आप चलना हमारे साथ में। तो वो भी अपना बिजी टाइम में से उन्होंने हमें अपना थोड़ा सा टाइम दिया। चली जाएगी, अभी आए थे, चली जाएगी। मंदिर परिसर में हम पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है क्योंकि नवरात्रि हैं। ये है ज्वाला देवी मंदिर, जालंधर है हमारे शहर के पास में, वहीं पर। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, जब मेरी सिस्टर आई थी और उनके हस्बैंड आए थे, मेरी मम्मी आई थी शिवरात्रि में, तब भी इस मंदिर के आप सभी को दर्शन कराए थे, तो यहीं पर आ गए। वैसे प्लान तो और भी सोचा था, बट बहुत दूर हो रहा था, प्लस उसके अलावा बहुत गर्मी भी अभी स्टार्ट हो गई है, बच्चों के साथ 3-4 घंटे का सफ़र करके जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो बस मंदिर के अंदर आ गए हैं, सबसे पहले माता रानी का भोग निकाल रहे हैं। कुछ केले वगैरह भी ले लिए थे मेरे हस्बैंड ने, मतलब कन्याओं को देने के लिए। तो सबसे पहले माता रानी के लिए हमने 2 जगह यहाँ पर थाली लगा दी। आप भी ज्वाला देवी के दर्शन कर लीजिए। और बस देखिए कितने सारे कलावे वगैरह बंधे हुए हैं ना, धागे मान्यताओं के। मंदिर बहुत अच्छा है। और वान्या देखिए यहाँ पर ना शेर पर बैठ रही है, जो पीतल के बने हुए हैं। और यहाँ पर ना शिव जी भी हैं पास में ही, शिव जी का भी छोटा सा मंदिर है, तो थोड़ा सा अभिषेक उनका भी कर दिया था। सो बस ये देखिए भोले बाबा को वानू भी आराम से पूजा करे जा रही है उनकी। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और अब चलते हैं राघव की हम मुंडन की प्रोसेस के लिए। वहाँ पर काफ़ी सारे मुंडन हो रहे थे, तो बस एक के बाद एक के बाद एक नंबर लगे जा रहे थे सबके। तो हमारा भी आ गया था टर्न, तो यहाँ पर थोड़ा सा चौक वगैरह लगा दिया है, सिक्का वगैरह डाल दिया है। यहाँ पर ना किसी भी लड़का हो या लड़की, मुंडन से पहले ना महावर लगाया जाता है, आलता। तो वही हमसे भैया बोल रहे थे, बट हमने कहा हमारे यहाँ पर अलग तरीके से होती है उसकी पूरी रस्म, मतलब जो लड़का होता है उसको महावर आलता लगाने के लिए एक अलग से रस्म होती है, उसका कुछ नाम होता है, तो आप उसको मत लगाइए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और राघव करो ना, तो आप सुन लीजिए। तुम बना दो भले, उसी हल्दी से तुम बना दो भले ऐसी शादियाँ। क्या नहीं बनता है, आप किधर बनता है? नहीं नहीं हल्दी से ही बना दो तुम चाहो। चलो ठीक है, तो रहने दो। नहीं तो संघर्ष क्या? नहीं 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 आंटी नहीं।
मुंडन की रस्म कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में हमने प्लेट्स वगैरह जो भी हम ले गए थे वो लगाए कन्याओं के लिए, तो उनको दे दिया था आराम से। पंडित जी के लिए भी यहाँ पर थाली लगा करके दे दी थी जो भी हम बना कर ले गए थे, और जो भी बाज़ार से ख़रीदे थे केले वगैरह। और फाइनली उसके बाद फिर हम सब लोग बैठ गए थे, करीब 2-3 बज चुके थे, तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था सुबह, तो यही सोचा था माता रानी के दर्शन के बाद ही खाएंगे सारी कुछ कंप्लीट होने के बाद। तो बस यहाँ पर सब लोग खाना वाना खाते हैं और निकलते हैं। वान्या यहाँ देखिए अपने पापा से बोल रही है मेरे फ़ोटो ले लो। तो यहाँ पर देखिए माता रानी काली माता का रूप लेकर के बैठी हुई है शेर पर से। और मैंने कहा चलो थोड़ा मंदिर घुमा देते हैं, बहुत ही ऊंचाई पर है तो नीचे काफ़ी देखिए बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। तो मैंने आंटी से बोला चलिए हम थोड़े फ़ोटो खींचते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ना साइड में जा कर के बहुत सारे फ़ोटो लिए। हमारे शहर में भी जैसे रतनगढ़ वाली माता है या लखेश्वरी माता है ना, उसी टाइप का मंदिर है ये भी, तो बहुत हमारा ना हमारे घर का ही याद आ जाता है हमको। और बस निकल गए हैं हम घर के लिए, मतलब घर ही जाएंगे, बट बीच में एक और मंदिर पड़ेगा वहाँ पर भी दर्शन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मंदिर के लिए निकल गए थे, बट वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, नहीं तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाता। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।